नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और पंगा ग्रंथ। इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 69 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भयभीत होने के कारण हवलदार बहादुर कार पर से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित कार डिम्पी कैफे के सामने जा पहुंची। उई, ये कौन इतनी तेज आ रहा है? अपने प्रश्न का उत्तर सोचने का उसे अवसर ही नहीं मिल सका। उई, धाड़! पुलिस की अन्य दो गाड़ियों को ठोक दिया कार ने। बचाओ! इंस्पेक्टर धरती पकड़ हिम्मत करके ओट से निकला। ओए, रुक जा, हिला दूंगा। तभी कार एक और जीप से टकराई। धड़ाम! पुई! हवलदार पर खून सवार है धरती पकड़। भागो! सारे सिपाही भी भाग गए हैं। शोर की आवाजें कैफे के भीतर पहुंची। ओए, पीली लंगोट, जरा देख बाहर क्या हो रहा है। पुलिस तोप ला रही होगी जी। पीली लंगोट ने बाहर झांका। आई, बच्चू, जुम! भागो, कार आ रही है। कार? अबे क्या कह रिया है? धड़ाम! ई, बच्चो, भागो! ई! आंटी लपक कर मेज के नीचे घुस गया। उफ, अब ये क्या मुसीबत आ गई। इससे अच्छा तो मैं जंगल में ही था। अन्य बंदी टूटी हुई दीवार के रास्ते बाहर दौड़ लिए। भागो! अबे इस कार वाले की लंगोट उतार लो। लाल लंगोट ने लपक कर कार का दरवाजा खोला। बाहर निकल! आ आ आ, खो खो खो! कार में आए मेहमान एक एक कर बाहर आने लगे। खो खो! आश्चर्य के कारण लंगोटिया बिगरेट अपने हथियार इस्तेमाल करना भूल गई। बंदर कार में आए हैं, मैं तो यही झुका रहता हूं। बंदरों ने प्लेटें और बर्तन उठा उठा कर फेंकने शुरू कर दिए। आ, सड़क सड़क! आ! कैफे का हॉल सर्कस का पंडाल दिखाई देने लगा। लंगोटिया बिगरेट की बुरी हालत देखकर हवलदार बहादुर को भी जोश आ गया। हवलात में सड़ा दूंगा सालो। आई, उफ, बंदरों की फौज हवलदार बहादुर लेकर आया है। भागो वरना पकड़े जाएंगे। लंगोटिया बिगरेट के जाने के बाद बंदरों ने हवलदार पर निशाना साधा। पुई! इस स्थिति के लिए वो तैयार नहीं थे। सड़क सड़क! ओह, आ, उफ, अब क्या करूं? तभी आंटी मेज के नीचे से निकला और मुंह से तेज आवाज निकालने लगा। भौं भौं, पुई, आंटी! यह आवाज सुनते ही बंदर हो गए संटी। खो खी! बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है आंटी। ओए, तूने बंदरों को कैसे भगा दिया? बंदरों को इस तरह डराकर मैंने जंगल में रहकर सीखा है बंटी। अचानक हवलदार की खोपड़ी घूम गई। अबे तेरे जंगल की तो ऐसी की तैसी। उस पंगा ग्रंथ के कारण हमारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। तू इस कहानी को खत्म करेगा या नहीं? मुझ पर नाराज क्यों होते हो? मैं तो खुद तुम्हारे शहर में आकर फंस गया हूँ। यहाँ का हर आदमी स्वार्थी है। तभी तो कह रहा हूँ कि जल्दी से उस कहानी को खत्म कर दे, वरना यहाँ के स्वार्थी लोग पंगा ग्रंथ के पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर चलो घर। वे तुरंत घर की ओर रवाना हो गए। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में सारे दिग्गज एकत्र थे। सर, अब किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। हवलदार बहादुर ही लंगोटिया बिगरेट का लीडर है। ठीक कह रहे हो, मैं भी अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुका हूं। हमें तुरंत हवलदार के घर पर रेड करनी चाहिए सर। लेकिन उसके साथ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, पता नहीं कहां से लाया है। पुलिस फोर्स एकत्र होकर उसके जानवरों की पहुंच भी उखाड़ सकती है सर। आप पूरे शहर की पुलिस बुला लीजिए। यस सर, हिला दूंगा मैं।
ओके, हम सब मिलकर उसके घर पर आक्रमण करेंगे। मैं फोर्स बुलवाता हूँ। अब हवलदार नहीं बच सकेगा। इधर हवलदार बहादुर के घर में। चल अंटी, खत्म कर डाल इस कहानी को। मुझे डर लग रहा है बंटी, अगले पन्ने में से कोई बड़ी आफत भी बाहर आ सकती है। अबे जब आएगी तब देखा जाएगा। तू पन्ना पलट दे। हाँ पटाख फुफा पलट दे। अंटी ने पृष्ठ उलट दिया। खत्म हुआ तेरा मजा, अब मिलेगी तुझे सजा। कष्ट होगा थोड़ा थोड़ा जब बन जाएगा तू घोड़ा। यो तो बड़ी अजीब बात लिखी है। अंटी घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ये घोड़ा बनने का क्या मामला है? शायद तू घोड़ा बनने जा रहा है अंटी। ठीक कह रहे फुप्पा, या की तो दुम निकल आई है। हाय राम। अबे ये क्या हो गया? मैं घोड़ा बनता जा रहा हूं और तुम हंस रहे हो बंटी। अबे तो क्या करूं, तुझ पर सवारी गांठ लूं? कुछ ही मिनटों में अंटी पूर्ण रूप से घोड़ा बन गया और कमरे में घुड़दौड़ मचा दी। अबे ये क्या कर रिया है? मारे को बड़ी हंसी आ रही है पप्पा। अपने भाई के लिए इब तुम्हें एक घोड़ी भी लानी पड़ेगी। बकवास बंद कर बे। इधर कमिश्नर ने पूरे दल बल के साथ हवलदार बहादुर के मकान की घेराबंदी कर दी। छट्टी का दूध याद दिला दूंगा हवलदार को और मैं उसे हिलाकर रख दूंगा। तोप चलवा दूंगा सर। अभी नहीं, मैं हवलदार को एक मौका देना चाहता हूं। शायद वो आत्मसमर्पण कर दे। वो ऐसा नहीं करेगा सर, फिर भी आप कोशिश कर देखिए। इंस्पेक्टर धरती पकड़, तुम अकेले जाकर हवलदार से मिलो और उसे मेरा संदेश दो। मैं नहीं सर, उसके साथ हाथी भी है, मैं मारा जाऊंगा। सटअप, दिस इज माई ऑर्डर, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हिला दूंगा मैं। इंस्पेक्टर धरती पकड़ शांति का प्रतीक हाथ में लेकर मकान की ओर बढ़ा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बाहर शोर सुनकर टोन ने खिड़की से झांका। ओए फुप्पा, मारे को पुलिस ने घेर लियो है, तोप चलने वाली है। हवलदार बहादुर लपक कर खिड़की में आए। उफ, कमिश्नर साहब हमें अपराधी समझ रहे हैं टोन, अब क्या करें? मैं तो यो सोच लिया हूं कि धरती पकड़ झंडो लेकर क्यों चला आ रियो है। हवलदार बहादुर दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे। उई, हमला मत करिया, हमला मत करना हवलदार, मैं कमिश्नर साहब का संदेश लेकर आया हूं। घबराइए मत सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब भीतर आइए। हवलदार उसे ड्राइंग रूम में ले आया। जानवर कहाँ है? जानवर? यहां जानवर क्यों होंगे सर, ये तो शरीफ आदमी का घर है। तभी आंटी महाशय ने भीतर प्रवेश किया। ओए जानवर। ये जानवर नहीं, मेरा जुड़वा भाई है सर। जुड़वा? हिला दूंगा मैं। क्या तुम मेरी पूंछ हिलाना चाहते हो? आई बोलता भी है, मैं लात भी मारता हूं। धड़ाक पुई। धरती पकड़ बहुत बुरी तरह से डरा था। मैं जा रहा हूं कमिश्नर साहब से कहूंगा तोप चला दें। सुनो तो सर जी। मगर धरती पकड़ ने मुड़कर भी नहीं देखा। ये क्या कर दिया तूने आंटी? अब पुलिस हम पर हमला कर देगी। पुलिस की चिंता छोड़ भाई, और मुझे इस रूप से मुक्ति दिलाने की सोच। उधर धरती पकड़ ने कमिश्नर को सारी बात बताई। क्या बोलने वाला घोड़ा? यस सर, उसे वो अपना जुड़वा भाई बता रहा था। हिला दूंगा मैं। घोड़ा भाई? लेकिन मैंने तो कभी हवलदार की पूंछ नहीं देखी। तुम चुप रहो, मुझे धरती पकड़ की बात पर विश्वास नहीं है। आओ हम स्वयं हवलदार से मिलेंगे। और हवलदार बहादुर पंगा ग्रंथ के निकट पहुंचे। ये आदमी बनाने का हल इसी ग्रंथ से निकलना चाहिए अंटी। तो फिर सोचो किए हो फुफ्फा, पलट दो पन्ना। हवलदार ने डरते डरते अगला पृष्ठ खोल दिया। यहां नहीं चलेगी तेरी मनमानी, ये तूने बहुत बुरा किया जानी। अब भर जाएगा तेरे घर में पानी। पानी? यू क्या लिखा है रे पप्पा? चुप कर टून, मुझे कहीं पानी बहने की आवाज आ रही है। और घर की सारी दीवारों से भी पानी की धाराएं फूटने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा घर पानी से भर गया। ओए संटी,
ओए आंटी ये क्या हो गया, अब क्या करूं? पंगा ग्रंथ को उठा ले, ये नष्ट हो गया तो मैं घोड़ा बना ही रह जाऊंगा। ओए फुप्पा हम डूब कर मर जाएंगे। हवलदार ने पंगा ग्रंथ को उठाया। ओए निकल लो यहां से, पर निकलेंगे कैसे? तभी पानी में से एक बला ने थोबड़ा बाहर निकाला। दरियाई घोड़ा, हे राम ये तो बहुत सारे हैं, मारे को खा जावेंगे फुप्पा। ओए टून ले ग्रंथ को संभाल। पंखे पर बैठे टून ने ग्रंथ को लपक लिया। तुम भी पंखे पर चढ़ लो फुप्पा। मगर हवलदार बहादुर को स्वयं चढ़ने का कष्ट नहीं करना पड़ा। अंटी बेचारा पानी में ही तैरता रह गया। ओए मैं क्या करूं, तुम मुझे भी तो बचाओ। इधर कमिश्नर और खड़क सिंह दरवाजे के निकट आ पहुंचे। घंटी बजाकर बाहर बुलाता हूं। घंटी तो मैं साथ नहीं लाया सर। उल्लू के खुर हो तुम, मैं कॉल बेल बजाने को कह रहा हूं। सॉरी सर, खड़क सिंह ने दरवाजे की ओर देखा। आई भीतर पानी बह रहा है शायद, कित्थे है पानी। तभी भड़ाक, ओए ओए बचाओ, हाय रब्बा एना पानी। पानी के इस तेज रेले ने पुलिस की जीप, पुलिस के तोपे और गाड़ियां तक बहा दी। बचाओ बचाओ। पानी में गोते लगाते कमिश्नर ने पीछे देखा। ओए खड़गू पीछे देख। ओए की है पीछे? पीछे देखते ही वो बेसुरा हो गया। तभी कमिश्नर के निकट भी एक दरियाई घोड़ा उभरा। इस बीच पानी का रेला गुजर गया और कमिश्नर महोदय पेड़ पर लटके रह गए। हुन मैं की कर रहा? आंटी भी पानी के साथ बह गया था, मगर वो किसी तरह स्वयं को बचाकर निकल आया था। बंटी के बच्चे ने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। घर पहुंचते ही दुलत्ती झाड़ूंगा उसके। तभी लंगोटिया बिगरेट भी वहां आ पहुंची। आई ये तो हमारे घर की ओर जा रहे हैं, बंटी की जान खतरे में है। कमिश्नर ने भी लंगोटिया बिगरेट को देख लिया था और आंटी पेड़ के नीचे आकर रुका। अब मैं क्या करूं, घोड़ा इस पर बैठकर लंगोटिया बिगरेट से फिर जाऊंगा। उई ये क्या टपक रहा है? हड़बड़ाकर आंटी तेजी से दौड़ पड़ा। उई उधर लंगोटिया बिगरेट ने हवलदार बहादुर के घर में प्रवेश किया और भीतर का दृश्य देखकर वे चौंके। ओए यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा पड़ा है, हमें पंगा ग्रंथ को ढूंढकर अपने कब्जे में करना है। पंगा ग्रंथ की चिंता करो लाल लंगोट, मुझे तो ये हवलदार बहादुर का ही कोई नाटक लगता है। आई इनको पंगा ग्रंथ की जानकारी कैसी हो गई? और तभी धाए हवलदार को सामने लाने के लिए मैं एक हवाई फायर करता हूं और गोली के धमाके के साथ ही हवलदार ने हाथ पांव छोड़ दिए। उई धड़ाम। लगी तो नहीं भाई लंगोट, गोली से उड़ा दूंगा साले। अबे नहीं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है यार, मुझे पंगा ग्रंथ चाहिए अभी और इसी वक्त। हवालात में सड़ा दूंगा साले, तेरे बाप का माल है क्या? लाल लंगोट ने उन्हें उठाकर दे मारा। बोल देगा या नहीं? मर गया बे। टूंड से अपने फुफ्फा की पिटाई सहन नहीं हुई। ओए छोड़ दो मारे फुफ्फा को। पंगा ग्रंथ पर लाल लंगोट की नजर पड़ते ही यही है वो पंगा ग्रंथ, छीन लो इस कद्दू से। हथियार के सामने टूंड बेबस था। इधर ला। ओए भैया यो बड़ी खतरनाक चीज है। तभी आंटी कमिश्नर के लिए वहां आ पहुंचा। ओए लंगोट धारियो मैं तुम सबको पकड़ने आ पहुंचा हूं। आंटी हमें पकड़ने की कोशिश की तो लंगोट खुल जाएगी कमिश्नर, घोड़े से नीचे उतरकर मुर्गा बन जा। आई इन्होंने तो हवलदार को भी बंदी बना रखा है, हवलदार का बैंड बजाने के लिए ही तो हम आए हैं, लेकिन अब पहले हम इस पंगा ग्रंथ को पढ़ेंगे। ओए नहीं उसका पन्ना ना पलटियो। मगर लाल लंगोट ने पन्ना पलट दिया। खत्म हुई मस्ती और मौज, बचने की तू राह खोज, आ पहुंची है जंगली फौज। ए
मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। तभी पूरा पूरा घर ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। ओए, ये क्या हो रहा है? जंगली फौज! कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति के लंगोट गीली हो गई। जंगली फौज ने सबको लपेटना शुरू कर दिया। या हाय रब्बा! लंगोटिया बिगरेट ने मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन बिफरे हुए जंगलियों ने उन्हें टिकने नहीं दिया। तभी हवलदार ने ऊपर से पंगा ग्रंथ को देखकर ऊपर से छलांग लगा दी। इस आफत को पंगा ग्रंथ द्वारा ही रोका जा सकता है। समय नष्ट किए बिना उन्होंने ग्रंथ का पन्ना उल्टा। आहा, ये तो अंतिम पृष्ठ है, कहानी खत्म हो जाएगी। अगले पल कमरे में भूचाल आ गया। हवा के चक्रवात ने जंगली फौज को लपेट लिया। उस साए! इसी के साथ अंटी भी अपने इंसानी रूप में आ गया। तूने कहानी खत्म कर दी है बंटी, सब वापस जा रहे हैं। पंगा ग्रंथ से निकला हुआ हर जानवर बाहर से उड़कर चला आ रहा था। हुस, हुस। अचानक अंटी भी उस चक्रवात की ओर बढ़ा। अच्छा बंटी, मैं भी चलता हूं। ओए, तू क्यों जा रिया है मेरे भाई? मुझे तुम्हारा शहर अच्छा नहीं लगा है। जहां इंसान इंसान का दुश्मन हो, वहां रहने से क्या लाभ? अलविदा बंटी। देखते देखते अंटी भी गायब हो गया और पंगा ग्रंथ स्वयं में बंद हो गया। अंटी, मेरे भाई! टूंड ने लपक कर हवलदार को पकड़ा। नहीं पप्पा, इब उसे हाथ मत लगाइयो। पंगा ग्रंथ बंद हो चुका है और उसे बंद ही रहना चाहिए। शायद तू ठीक कह रहा है टूंड। कमिश्नर साहब बुक्का फाड़े उनके निकट पहुंचे। ओए, मैनू भी ते दसो, एक ही जादू था। आप जानकर क्या करेंगे सर? आप तो लंगोटिया बिगरेट को हवालात पहुंचाइए। ओए, उन्हें तो मैं भूल ही गया था। लंगोटिया बिगरेट की गिरफ्तारी का सेहरा तेरे ही सिर बंधेगा बच्चू। धन्यवाद सर। हवलदार बहादुर ने उसी रात पंगा ग्रंथ को एक बॉक्स में रखकर अपने बगीचे में दबा दिया। ऐसी खुरापाती चीज को बाहर रहना उचित नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पंगा ग्रंथ कभी जमीन से बाहर नहीं आएगा? इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।